हिमाचल में पहाड़ों ने ओढ़ी सफेद चादर, पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश, सैलानियों के चेहरे खिले, तापमान में 4 डिग्री गिरावट। नए साल से पहले हिमाचल के पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। गुरुवार शाम से प्रदेश के 7 जिलों में बर्फबारी हो रही है। मौसम की करवट बदलते ही चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर, सिरमौर और शिमला में ताजा हिमपात हुआ, जिसे देखकर हिमाचल घूमने आए पर्यटकों के चेहरे खिल गए। बर्फ देखने की चाह में हिमाचल घूमने आए पर्यटकों की हसरत इस बार नए साल से पहले ही पूरी हो गई। नए साल का जश्न मनाने हिमाचल पहुंचे पर्यटकों ने शिमला में देर शाम बर्फ के फाये गिरते हुए खूब इंजॉय किया। शिमला के पर्यटन स्थल कुफरी, खड़ा पत्थर और चौपाल की खिड़की में सीजन का पहला हिमपात हुआ। वहीं लाहौल स्पीति में बर्फबारी के चलते पर्यटकों को हिदायत दी गई कि खराब मौसम है, अनावश्यक यात्रा से बचें, केवल आपातकालीन स्थिति में ही यात्रा करें, जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं। जिला कांगड़ा की ऊंची चोटियों पर भी हल्का हिमपात हुआ, जिससे कांगड़ा घाटी भी ठंड की चपेट में आ गई है। यहाँ की धौलाधार पहाड़ियों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। सिरमौर के चूड़धार में सीजन का चौथा हिमपात हुआ। 12,000 फीट ऊंची चोटी व प्रदेश के प्रसिद्ध आराध्य देव शिरगुल महाराज की तपोस्थली चूड़धार में बर्फबारी हुई। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार शाम तक कैलांग में 2 सेमी ताजा हिमपात हुआ। शिमला में बर्फबारी से पहले देर शाम को हल्की बारिश हुई। तापमान में गिरावट आने से बर्फ के हल्के हल्के फाये गिरने लगे। इस बीच शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान और मॉल रोड पर उमड़ी पर्यटकों की भीड़ ने मौसम में आए इस बदलाव का जमकर लुत्फ उठाया। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।